हेलो एवरीवन, हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है और आज हम बात करेंगे इसके सिक्स यूनिट के बारे में। टॉपिक का नाम है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी रिवॉल्यूशन के दौरान जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या आप बोल सकते हो या डेली लाइफ का मतलब क्या होगा, जो हर दिन जो घटनाएँ घट रही है जीवन में वो कैसी थी, क्या कुछ हो रहा था, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the book they read? क्या politics इस चीज़ को बदल सकती है? किस चीज़ को भाई? तो जो कपड़े लोग पहनते हैं, जो भाषा वो बोलते हैं और जो किताबें वो पढ़ते हैं, है ना? मतलब politics क्या कर सकता है? तो politics आपका पहनावा बदल सकता है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि क्या बदल सकता है, क्या वो कपड़े बदल सकता है, क्या वो भाषा बदल सकती है, क्या वो बुक्स को बदल सकता है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मेनी सच चेंजेज इन द लाइफ्स ऑफ मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी 1789 के बाद का जो समय था उसने मेन वोमेन या फिर चिल्ड्रेन इनके जीवन में बहुत कुछ बदला था। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब जो ये revolutionary government थे, ये ऐसे ऐसे नियम कानून बना रहे थे जिससे कि जो आपका आदर्श है, जो ideal है liberty, equality की, आज़ादी की या फिर समानता की, वो हमारे दैनिक जीवन में भी दिखे, दैनिक जीवन में एवरीडे लाइफ में भी, पीपल के एवरीडे लाइफ में भी वो चीज़ नजर आए, उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए जा रहे थे। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इन टू इफेक्ट सुन आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर कानून लाया गया था वो था सेंसरशिप को ख़त्म कर देना। अब सेंसरशिप क्या था, तो आपको पता होगा कि राजा के समय क्या होता था कि जो प्रेस थी ना वो स्वतंत्र नहीं थी, यानी अगर उसे कुछ छापना है किसी, आपको आपकी आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो या फिर कोई न्यूज़पेपर ही आप दे रहे हो, तो कुछ भी पब्लिश करने से पहले आपको राजा से परमिशन लेनी होगी, है ना। राजा से परमिशन लेने का मतलब राजा के जो अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, जब वो अलाउ करेंगे कि हाँ ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, तब जा करके आप उसको पब्लिश करोगे, वरना कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ आप पब्लिश नहीं कर सकते हो जिससे राजा नाराज हो जाए, है ना, या राजा को नुकसान हो, आप उसके विरोध में कुछ नहीं छाप सकते हो। फेवर में तो छाप सकते हो पर विरोध नहीं कर सकते हो। तो अब जो है ना वो सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया, यानी अब क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, है ना। जो विपरीत विचार हैं, है ना, जो मान लो गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है और आपकी सोच कुछ अलग है, तो आप अपने सोच को भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से जाहिर कर सकते हो। यानी जो अपोजिट ओपिनियन है उसे भी अब स्वीकार किया जा रहा है। ओके, तो सबसे इफेक्टिव काम उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो था सेंसरशिप की समाप्ति। इन ओल्ड रिजिम ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, यानी जो नाटक खेले जा रहे हैं, ये सब कुछ कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाई द सेंसर्स ऑफ द किंग। जब तक राजा उसको सेंसरशिप नहीं, मतलब उसको पास नहीं करता था कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, ये परफॉर्म कर सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, तब तक उसे नहीं किया जा सकता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब जो डिक्लेरेशन किया गया था राइट्स ऑफ मैन, तो उसमें इस बात को कहा गया था कि ये मनुष्य का अधिकार है कि वो जो चाहे बोल सकता है, नहीं बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप इसको कह सकते हो, कि आपकी जो भी अभिव्यक्ति है, जो कुछ भी कहना है आप बेहिचक कह सकते हो, आप विरोध दर्शा सकते हो, अगर सामने वाले की बात से आप सहमत नहीं हो तो आप अपना पक्ष रख सकते हो, आप विरोध दर्शा सकते हो, ठीक है। मतलब देखो, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि हम
विरोध में भी बोल सकते हैं। अगर हम विरोध में नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है ना। तो ये चीज हो गया कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता देगी एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, मतलब जो बोलने की स्वतंत्रता है या फिर जो एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता है वो नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोटेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इन टू द कंट्री साइड। अब जाहिर सी बात, जब प्रेस की स्वतंत्रता मिल गई तो बेहिचक लिखने वाले अपने हिसाब से अपने विचारों को न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किए, पैम्पलेट छपने शुरू हो गए, बुक्स छपने शुरू हो गए, प्रिंट पिक्चर्स वगैरह बनने शुरू हो गए, सबको आज़ादी मिल गई थी। तो इन सब की एक बाढ़ सी आ गई और फिर वो फ्रांस के शहरों के साथ साथ गाँव में भी ये सारी चीज़ें फैलने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। अब उन सब में होता क्या था, तो उन सब में वो सारी बातें रहती थी जो फ्रांस में चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं उस उनसे जुड़ी हुई हर तरह की बातें उसमें शामिल होती थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। प्रेस के फ्रीडम का मतलब ही हुआ कि अब वो अपोजिट जो उसका व्यू है वो भी सामने रख सकता है ना। मैंने कहा ना कि अगर आप विरोध में कुछ नहीं बोल सकते हो तो फिर स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है, ऐसा कहना तो मजाक हो जाएगा है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज, यानी जो उल्टा व्यू है ऑफ इवेंट, ये भी अब एक्सप्रेस किया जा सकता है। इच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर of its position through the medium of print। अब मान लो किसी ने एक विचार रखा, आप उससे सहमत नहीं है, तो आप फिर प्रिंट के माध्यम से अपने उसके दूसरे विचार को भी रख सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। मान लो किसी ने सवाल उठाया तो आप उसको समझा सकते हैं कि भाई हम कैसे सही है, आप कैसे गलत हो, ठीक है। प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिवल processions attracted large number of people। मतलब अब गाने गाए जा रहे हैं, नाटक खेले जा रहे हैं, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि जुलूस जिसको बोलते हैं उस तरह की चीजें निकाली जा रही है, ठीक है। और this was one way they could grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। अब जाहिर सी बात है, किताबों में जो छपा हुआ है, अखबारों में जो लिखा हुआ है, पैम्पलेट में जो कुछ लिखा हुआ है, वो सब तो भैया पढ़े लिखे ही लोग समझ पाएंगे। जो अनपढ़ हैं, नहीं, जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो तो उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हें समझाने के क्या तरीका था, तो उन्हें समझाने का तरीका था गीत गा करके या फिर नाटक खेल करके या फिर जुलूस के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से उन्हें समझाया जा सकता था। यहां पे आप एक तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस। द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस दिखाई दिया आपको, द पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, मतलब देशभक्त मशीन है ये, फैट रिड्यूसिंग प्रेस मतलब फैट को कम करने वाली प्रेस मशीन है, देशभक्त मशीन है। तो ये देशभक्त प्रेस मशीन क्या कर रही है, तो ये फैट को कम कर रही है। अब यहां फैट का मतलब देखो, ये जो मोटा ताजा आपको आदमी दिख रहा है ना, ये है मोटा ताजा आदमी, कौन से ग्रुप का बिलोंग करने वाला, या तो नोबेल होगा या क्लर्जी होगा या फिर राजा का। अब होता है क्या था कि जो जैसे कि पहले के ज़माने में अधिकतर जो मोटे मोटे लोग होते थे वो बहुत रिच फैमिली वाले होते थे, नोबेल क्लास से ही बिलोंग करते थे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो इतना काम करते थे, उनसे इतना काम करवाया जाता था, मजदूरी भी कम मिलती थी, काम ज़्यादा करवाया जाता था, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाते थे। मतलब बहुत कम ही लोग हेल्दी होते होंगे, अधिकतर लोग पतले दुबले ही होते थे या ठीक ठाक होते होंगे।
पर मोटे मोटे जो लोग दिखते थे वो ज़्यादातर रिच लोग ही होते थे, बस काम वाम है नहीं, बैठ के बस खाना है और मोटा ताजा हो जाना है। वैसे भी आप कहावत सुनते होंगे कि अक्सर कुछ लोग मोटे होते हैं या फिर तोंद निकली होती है, तो पहले के ज़माने में कहते खाते पीते परिवार का है ना, तो कहीं ना कहीं मोटापा उस समय वेल्दी, आप वेल्दी हो इस चीज़ को दिखाता था। तो यहाँ पर जो राजा है ना वो बहुत मोटा हो गया है, तो अब उसके मोटापे को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन लोग कर रहे हैं, तो ये जो सरकारी लोग हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ये लोग राजा के, तो ऐसे राजा के पावर को, फैट जो है ना वो कहीं ना कहीं राजा के पावर को दिखा रहा है, ठीक है, या फिर उसके ग्रीड को दिखा रहा है। तो उसको कम करने का काम ये गवर्नमेंट के लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब नेशनल असेंबली बन चुकी है, ठीक है, और अब सरकार का जो काम काज है वो अब जनता के हिसाब से हो रही है। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, इसको कुछ नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सब मिलके इस मशीन को चला रहे हैं, और आपको इसमें मेल के साथ साथ फीमेल भी दिख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी आप कह सकते हो। खैर उस समय जेंडर इक्वालिटी नहीं मिली थी, क्योंकि वोटिंग राइट से तो इन्हें वंचित ही रखा गया था, बट एक तस्वीर के माध्यम से यहाँ उस समय जो कुछ भी हो रहा था कि राजा के पावर को, ग्रीड को कम किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग मशीन। फैट का मतलब हुआ कि राजा का जो पावर है, या फिर जो नोबेल या फिर क्लर्जी ग्रुप के लोगों का जो ग्रीड है, उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जा रही है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली के द्वारा और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। ये एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो व्यक्ति है ना, इसका नाम है मारे, और ये लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, मारे एड्रेसिंग द पीपल। और ये पेंटिंग जो है वो पेंटिंग आपकी बाय लुइस लियोपोल्ड बॉयली, रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट मारे इन दिस चैप्टर। ये देखिए, यहां पर हमने पढ़ा था मारे के बारे में, है ना, तो ये आप देखिए, ये है मारे, है ना, इनका ये रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट हैं जॉन पॉल मारे। इन्होंने न्यूज़पेपर अपने नामी द पीपल, जिसका मतलब हुआ कि फ्रेंड ऑफ पीपल, उसमें इन्होंने जो नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उस पर कमेंट किया था, और वो कमेंट किया था कि जो पीपल को रिप्रेजेंट करने का जो टास्क है वो चला मिल गया है किसको, रिच पीपल के पास। यानी पहले जो चीज़ें नोबेल क्लास और क्लर्जी ग्रुप के लोगों के पास हुआ करती थी, अब वो रिच पीपल के पास चली गई है। जो पुअर पीपल हैं, ऑपरेस्ड जो हैं, वो उन्हें आज भी न्याय नहीं मिला है, और उन्हें इस शांतिपूर्वक ढंग से यानी पीसफुल मीन्स से जो अधिकार है मिलना चाहिए, वो मिलने वाला नहीं है, पीसफुल ढंग से उनका अधिकार उनको मिलेगा नहीं, है ना। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ है कि किस तरह से वेल्थ लॉ को इन्फ्लुएंस करती है, यानी धन जो है, पैसा, वो किस तरह से कानून पर प्रभाव डालती है, उसका यहाँ ये प्रूफ मिला है। और उनका कहना है कि कोई भी लॉ तभी तक चलता है जब तक कि पीपल उसको मान रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब पीपल इसको मानना बंद कर देगी। और जिस तरह से आपने एरिस्टोक्रेट्स के, मतलब क्रेस्ट को हटा करके उनसे पावर छीन के आपने अपने हाथ में ली है, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये जो सत्ता है वो वेल्दी पीपल से निकल करके पुअर और ऑपरेस्ट लोगों के हाथ में जरूर आएगी। और ऐसा हुआ भी, आपने देखा बाद में जैकोबियन की गवर्नमेंट आ जाती है, और फिर जो पावर है वो मिडिल क्लास से छीन करके जो लोअर क्लास है उसके हाथ में चली जाती है। तो ये जो लामी द पॉल हैं, इन्हें भाषण देते हुए दिखाया गया है इस तस्वीर में, है ना, इस तस्वीर में लामी द पॉल को पीपल को एड्रेस करते हुए दिखाया गया है। तो ये ना जैकोबियन के फेवरेट थे, क्योंकि वे हमेशा पुअर और अपरिस्ट लोगों के बारे में बोला करते थे, लिखा करते थे। खैर बाद में इनकी हत्या हो जाती है, और
लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंक्लूजन, यानी अब तक जो भी हमने पढ़ा उसे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। इन 1804 यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, मतलब आपने देखा जैसे कि जैकोबिन की सरकार जब खत्म होती है फिर से पावर मिडिल क्लास के हाथ में आता है, और फिर उस समय डायरेक्टरी आ जाती है ना, लोगों को लगता है कि पावर एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्टरी आती है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं आपके और वो मिलकर के संभालते हैं, पर उनका लेजिस्लेटिव से वो पांचों डायरेक्ट, जो डायरेक्टरी है वो आपका एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, तो जो लेजिस्लेचर है उससे इनका बार बार क्या होता था, क्लैश होता था, और लेजिस्लेचर भी इनको धमकी देते थे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर हम डायरेक्टरी को ही भंग कर देंगे। तो एक हमेशा अस्थिरता का, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती थी, है ना। तो इसका फ़ायदा मिला किसको, नेपोलियन को। नेपोलियन सेना से बिलोंग करता था और उसने बहुत सारे युद्ध जीते थे, तो कहीं ना कहीं पीपल के नज़रों में वो एक हीरो था, तो उसने अपने इमेज का फ़ायदा उठाया, जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म किया और खुद को फ्रांस का इम्पीरियर घोषित कर दिया। कब, 1804 में। एंड ही सेट आउट टू कॉन्क्वेयर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिसपजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब ये क्या करना शुरू किया, ये फ्रांस के विचारों को अब दूसरे यूरोपियन कंट्री में फैलाना शुरू किया, है ना। ये अब अपनी सेना भेज रहा है यूरोपियन कंट्री, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पे, जो नेबरिंग कंट्री है इसके, और वहाँ जो भी मोनार्की वगैरह है उसको वो ख़त्म कर रहा है। पीपल को लग रहा है कि ये अच्छे विचार के साथ हमारे पास आ रहे हैं, तो पीपल ने इनका स्वागत भी किया, है ना। लेकिन ये किया क्या, वहाँ पर जो डिनास्टी थी, वहाँ जो मोनार्की था उसको ख़त्म किया और फिर अपने ही फैमिली में किसी मेंबर को वहाँ का राजा बना दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। अब ये अपने आप को दर्शाता था कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, मतलब बेहतर बना रहा है। उसने बहुत सी अच्छी अच्छी पॉलिसी भी लाई, और जब ये दूसरे कंट्रीज में गया तो वहाँ इसका बेहिचक स्वागत हुआ, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि ये यहाँ सुधार करने के लिए आ रहे हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर एंड प्रोवाइडेड बाई द डेसिमल सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि इसने बहुत कुछ सुधार किया, जैसे कि इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का लॉ बना दिया कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, पहले क्या होता था कि एक बॉर्डर पास किए, दूसरे शहर में गए, दूसरे बॉर्डर में गए, दूसरे राज्य में, स्टेट में गए, तो पता चलता था कि अब वहाँ कुछ और मेजरमेंट यूज़ होता है, कि मैं वहाँ मेजरमेंट का यूनिट कुछ और है, वहाँ हर चीज़ बदल जा रही है, तो इससे क्या होती थी कि परेशानी होती थी व्यापार करने में, है ना। अब यहाँ पर आप कुछ, यहाँ जो लेंथ माप रहे हो किसके लिए कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे जगह पर लेंथ के लिए कोई और यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, उसका यूनिट हमारे यूनिट से मैच नहीं कर रहा है, तो फिर बार बार मेजरमेंट से होकर गुजरना पड़ता था। तो उसने क्या किया कि वेट और मेजर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया कि ऐसा नहीं होगा, एक ही सिस्टम रहेगा और उसी के हिसाब से काम होगा। तो इससे व्यापार को फ़ायदा मिला। इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। अब शुरू शुरू में सबको यही दिखता था कि नेपोलियन जो है ना वो स्वतंत्रता देने वाला, स्वतंत्रता दायक है, एक लिबरेटर है जो पहुंचकर वहां के लोगों को स्वतंत्रता दे रहा है, मतलब आज़ादी दे रहा है। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे अब लोग नेपोलियन की सेना को आक्रमणकारी समझने लगे, है ना। इन्वेडर का मतलब क्या हुआ कि जो अटैक कर रहे हैं, है ना, मतलब वो हमें आज़ाद करने नहीं आ रहे, वो हम पे हमला कर रहे हैं, तो उनको इन्वेडर के तौर पर देखा गया। एंड ही वॉज फाइनली डिफिटेड एट वाटरलू इन 1815 में उसकी फाइनली हार हो जाती है। एंड मेनी ऑफ हिज मेजर्स that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other part of Europe had an impact on people long after. अब उसने अपने शासनकाल में जो भी चेंजेस लाए थे, जो भी सुधार किए थे,
जैसे कि आपने देखा कि उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लाया, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया वेट और मेजर का, तो इसने जो कुछ भी सुधार वगैरह किए वो बाद में जाकर लोगों को समझ में आया कि नहीं, नेपोलियन ने एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसकी सत्ता फ्रांस के अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी थी, तो कहीं ना कहीं यूरोप के एक बड़े क्षेत्र को नेपोलियन ने प्रभावित किया। नेपोलियन जब नेपोलियन चला गया तब उसके सुधार जो हैं वो दिखाई देने लगे। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बात हो रही थी मेनली वो किसकी हो रही थी, तो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट की। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया था, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जब लोग चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात तो करेंगे ही करेंगे। और ये फैलता गया पूरे यूरोप में। दिज स्प्रीड फ्रॉम द फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वेयर एबॉलिस्ट, है ना, फ्यूडल सिस्टम जो है वो अब खत्म होता चला गया। जहाँ जहाँ ये विचार पहुँचते गए वहाँ जो उस समय का जो फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था जो थी वो आपकी खत्म होती चली गई। कोलोनाइज पीपुल्स रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन टू दियर मूवमेंट्स टू क्रिएट ए सोवेरियन नेशन स्टेट। अब जहाँ के लोग कोलोनाइज थे है ना, वो लोग अब फिर से फ्रीडम को अपने हिसाब से अब समझ रहे हैं, उसको रिवर्क ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम। और फिर उसके बाद जो उनका मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है, किस लिए, तो वो अब अपने नेशन को संप्रभुता देने के लिए, ठीक है, कि मेरा राष्ट्र कैसे संप्रभु बने इस पे अब वो विचार करना शुरू करें। जैसे कि टीपू सुल्तान हैं और राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें, तो ये दो ऐसे लोग थे जो हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी फ्रांस, जिन्होंने जो फ्रांस से जो आइडिया चल के आ रहे थे, रिवोल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडिया चल के इंडिया आ रहे थे उस पे इन लोगों ने काम किया। यहाँ राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ लिखा हुआ है। राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ दोज हु वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज दैट वेयर स्प्रेडिंग थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। यानी उस समय यूरोप से जो नए आइडियाज फैल रहे थे उससे वो जो जितने लोग इंस्पायर्ड थे उसमें राजा राम मोहन राय भी थे। एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रिवॉल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन। मतलब पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन और बाद में जाके एक और रिवॉल्यूशन था, इसको जुलाई रिवॉल्यूशन कहते हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हियर्ड ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1830 यानी 1830 में, सॉरी, तो इन 1830 जो आपका जुलाई रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में जाकर, उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एंड ऑन हिज वे टू इंग्लैंड एट कैप टाउन ही इंसिस्टेड ऑन विजिटिंग फ्रिगेट्स यानी वारशिप फ्लाइंग द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग दो ही हैड बीन टेम्पररी लैम्ड बाय एन एक्सीडेंट। देखिए उनको एक्सीडेंट हो चुका था, थोड़ा सा एक्सीडेंट की वजह से उनके पैर जो थोड़े थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो थोड़े से लंगड़ा रहे थे। फिर भी इंग्लैंड जाने के दौरान कैपटाउन में वो जो झंडा है, ट्राई कलर फ्लैग है उनके रिवोल्यूशनरी वारशिप का, उसको देखने के लिए ये जिद करने लगे कि नहीं मुझे तो भैया देखना है इस चीज़ को। तो आप समझ रहे हो कि राजा राम मोहन राय उस समय जो कुछ भी फ्रांस वगैरह में हो रहा था उससे कितने ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली, अब एक बार हम लोग कुछ डेट्स पर, इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1774, क्या हुआ था, लुई 16 बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस, फेसेस एम्प्टी ट्रेजर, खाली खजाना उसे मिला, एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजम। समाज में एक तबका दूसरे तबके के खिलाफ जो विरोधाभास है, आपने देखा जो थर्ड स्टेट वाले हैं और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले हैं इनके बीच एक खिंचातान शुरू हो गई है। 1789 कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है लुई सुलोमे के द्वारा ताकि वो टैक्स को बढ़ा सके।
और थर्ड स्टेट की बात वहां नहीं मानी जाती है। थर्ड स्टेट इस बात पे अड़ गया था कि वन मेंबर वन वोट होना चाहिए, जबकि उस समय रूल्स क्या था कि वन स्टेट वन वोट। तो इसका थर्ड स्टेट वालों ने विरोध किया और वो उस मीटिंग से बाहर हो गए थे। उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई एंड द बास्टाइल इज स्टॉर्म, बास्टाइल किला ढा दिया गया था लोगों के द्वारा। पीजेंट्स रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, गाँव में लोगों ने, किसानों ने भी विद्रोह किया था। इन 1791 इसमें क्या हुआ, तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर ऑफ किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट टू द ऑल ह्यूमन बीइंग। एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें राजा के पावर को कम कर दिया गया और हर एक व्यक्ति को उसके बेसिक राइट्स की गारंटी दी गई। 1792 से 93 फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, 92 से 93 में फ्रांस आपका रिपब्लिक बनता है और जो किंग है उसे फांसी हो जाती है। ओवरथ्रो द जैकोबियन रिपब्लिक, ए डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस, यानी जो जैकोबियन रिपब्लिक है, जैकोबियन की जो रिपब्लिक सरकार है वो भी खत्म होती है और फाइनली फ्रांस में एक डायरेक्टरी रूल आती है। डायरेक्टरी रूल का मतलब जो एग्जीक्यूटिव में जो सबसे हेड में एक व्यक्ति था, तो उस हेड में अब एक व्यक्ति नहीं रहेगा, अब पांच व्यक्ति की एक टीम बना दी गई, इसे डायरेक्टरी कहा गया। 1804 में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उसका फायदा उठाते हुए नेपोलियन जो है वो खुद को फ्रांस का इंपीरियल घोषित करता है और फिर यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाता है। इन 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ कुछ सिंबल्स वगैरह दिए गए हैं, तो उन सिंबल्स को याद रखना है। ये उस समय जो थे ना, ये सिंबल्स ही लोगों को जो आइडियाज हैं उसके बारे में बताते थे, क्योंकि उस समय सभी लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये सिंबल बहुत अच्छा काम करता था। ये टूटी हुई हथकड़ी, ये आपका लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता था। द ब्रोकन चेन, चेन्स वेयर यूज टू फिटर स्लैब्स, ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। हथकड़ी टूट गई मतलब आप आज़ाद हो गए हो और स्लैब्स आज़ाद हो गए हैं, इसके इसको ये रिप्रेजेंट करता था। द बंडल ऑफ रड्स या फेसेस, अब ये समझना है यहाँ पे, ये जो बंडल ऑफ रड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया आप अकेले अकेले रहोगे तो टूट जाओगे आसानी से, एक एक रहेगा तो टूट जाएगा, पर अगर ये रड का बंडल बना दिया जाए तो फिर इसे तोड़ना मुश्किल होगा। यानी ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेंथ तो भैया यूनिटी में ही है, है ना, यूनिटी के अंदर ही स्ट्रेंथ लाई करता है। उसके बाद ये देखिए, आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग रेडिएटिंग लाइट, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर आंख बनी है और यहां से लाइट निकल रही है। द ऑल सीइंग आईज स्टैंड फॉर नॉलेज, ये जो आंखें हैं ना ये नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, और ये जो लाइट्स यहाँ निकल रही है ना वो अंधेरे रूपी, ऐसे कि सूर्य का प्रकाश क्या करता है बादलों को छांट देता है, तो वैसे ही ये नॉलेज की जो लाइट है ना वो इग्नोरेंस रूपी क्लाउड को हटा रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एसेप्टर, तो ये क्या है, ये एक सिंबल है रॉयल पावर का, है ना, ये एक स्नेक है जो अपने ही टेल को बाइट किए हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हो कि अब कोई एंड नहीं है ना, तो ये कहीं ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, मतलब जो लगातार चला आ रहा है इसका अंत नहीं है, ना शुरुआत है ना अंत है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेड फाइगन कैप है और ये कैप स्लैब तब पहना करते थे जब वो आजाद हो जाते थे, तो ये जो कैप है ना ये लिबर्टी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप लेडी देख रहे हो ब्लू व्हाइट रेड, तो इसमें जो तीन कलर हैं वो तीन कलर फ्रांस के द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के नेशनल कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये लेडी है ये कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है।
ये जो विंग ओमेन है ये लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो आप देख रहे हो द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, इस चीज को ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रांस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे।